जो बाइक की CNG प्लस पेट्रोल की जो रेंज है 330 किलोमीटर कंपनी क्लेम करती है। तो पहले बात कर लेते हैं इसके फ्यूल टैंक की। तो इसके अंदर आपको 2 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाता है, जो वैसे तो इसका मेंटेनेंस चेक होता है हर 3 साल के अंदर सिलेंडर का, और अगर इसमें थोड़ी बहुत खराबी आती तो अगर रिपोने वाला कोई ऑप्शन होगा तो वो भी हो जाएगा, अदरवाइज अगर सिलेंडर खराब हो जाता तो उसके तकी मतलब 22,000 का आपका फटका लग जाएगा। अगर आप वो टेलीस्कोपिक के 30mm के सस्पेंशन देखने को मिलने वाले हैं, इसकी जो पूरी ब्राइटनेस है ये देख सकते हैं आप। सो ऐसी कुछ ब्राइटनेस आपको देखने को मिलने वाली है इस बाइक के अंदर वाइट LEDs के साथ में, मतलब वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल गौरव सिंह जीएस व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग, होप यू गाइस वेयर एब्सोल्युटली फाइन। सो यार आज अपन आ चुके हैं एक बार फिर बजाज के शोरूम पे, और टाइटल और थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो किस रिगार्डिंग होने वाला है। तो भाई बहुत समय से एक इंतजार था, बात करेंगे भाई आज बजाज की फ्रीडम 125 विद CNG। इस CNG से चलने वाली बाइक फर्स्ट इन इंडिया जो कि बजाज ने अभी लॉन्च कर दिया है, तो उस रिगार्डिंग आज वीडियो होने वाला है। पूरी डिटेल कवरअप करेंगे, क्या क्या इस बाइक में स्पेक्स आपको देखने को मिलने वाले हैं, क्या कि इसकी पावर परफॉर्मेंस ब्रेकिंग और फीचर्स की बात करेंगे, कितनी किलोमीटर्स की इसकी रेंज होने वाली है, फ्यूल टैंक कितना देखने को मिल रहा है, CNG कितना लीटर है, वो सारा इस वीडियो में बात करेंगे। और बाकी इसके पूरे कलर वेरियंट्स के बारे में बात करेंगे, कितने कलर वेरियंट्स में ये बाइक आपको देखने को मिल रही है, और बाकी इसकी ऑन रोड एक्सशोरूम प्राइस आपको राजस्थान जयपुर में कितने की देखने को मिलने वाली है, वो सारा इस वीडियो में कवरअप करेंगे। तो भाई बताना चाहूँगा इससे पहले, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पे ऑल कर लेना, ताकि आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। ब्लू कलर के टेक्सचर में बाइक आपको देखने को मिल जाती है, कुछ स्ट्रिपिंग के मामले में और फीचर्स के मामले में काफ़ी अच्छा वर्क किया है बजाज ने। ऑल ओवर की पूरी डिटेल्स के ऊपर आते हैं, उससे पहले इसका साइड प्रोफाइल आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिलने वाला है। ये जो वेरिएंट आपको खड़ा है ये टॉप मॉडल के वेरिएंट में आता है विद डिस्क ब्रेक के साथ में। और बात कर लेते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल से, सो इस टाइप का आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलने वाला है, फुली डिजिटल आपको यहाँ देखने को मिलने वाला है फीचर्स। और बेसिक फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर की लाइट शो हो जाएगी, उसी के साथ में न्यूट्रल का साइन आपको यहाँ देखने को मिलने वाला है, विद CNG का साइन भी आपको यहाँ देखने को मिलने वाला है। भाई लास्ट में इस वीडियो के अंदर आपको CNG भी दिखाऊंगा। इसकी सीट ये जो आप देख रहे हो ना भाई, ये जो सीट है इतनी बड़ी सीट आपको देखने को मिलने वाली है, ऑल्दो पूरा ऑलमोस्ट टैंक भी कवर कर दिया भाई इसने, मतलब आराम से इसके ऊपर 4 जने भी बैठ पाएंगे, तो वो काफ़ी सही है। बट मैं तो सजेस्ट नहीं करता कि भाई 4 लोग बैठे, बट लिटरली मैं इसके ऊपर आप 4 लोग भी आसानी से इजीली बैठ पाओगे। तो भाई फीचर्स के ऊपर आते हैं, बिल्कुल भटकना नहीं है रास्ते से। तो यहाँ पे आपको CNG का जो मार्क है वो देखने को मिल जाता है, बाकी इंजन स्पेक्स की लाइट आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। ऑल ओवर फीचर्स की बात कर लें तो इसके अंदर आपको यहाँ CNG का पूरा लेवल देखने को मिल जाएगा जो कि अभी, और दूसरी तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको किलोमीटर की रेंज हो जाएगी, टोटल ऑल ओवर बाइक कितने किलोमीटर अभी चली है, तो 4 किलोमीटर अभी आपको रन दिखा रहा है। उसी के साइड में इस साइड आएंगे तो आपको यहाँ पे टाइमिंग शो हो जाएगी। बात करें गियर्स की तो इसके अंदर आपको गियर नोटिफिकेशन भी आएगा कि स्पीड गियर बॉक्स का आपकी बाइक चल रही है, और टोटल स्पीड की बात कर ले तो इस साइड पर आपको स्पीड दिख जाएगी कि आपकी गाड़ी किस स्पीड के ऊपर चल रही है। बात करें कुछ फीचर्स के बारे में तो यहाँ पे आपको भाई ये बटन देखने मिल जाता है फ्लैशर के रूप में, जो कि कुछ हाई लो बीम हाई बीम को इस प्रकार टैकल करता है। तो देख पाएंगे इसकी ब्राइटनेस आपको कुछ इस टाइप की देखने मिल रही है। काफ़ी अच्छी चीज़ है, वाइट LEDs देखने को मिल रही है 125cc के सेगमेंट पे, और यहाँ पे आपको नॉर्मल वाले बल्ब वाले इंडिकेटर्स देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको CNG पेट्रोल कन्वर्ट करने के लिए देखने को मिल जाता है, जैसे कि अगर आप इसको पेट्रोल की तरफ करते हैं तो यहाँ पे साइन भी आ जाता है पेट्रोल मोड। ऑल द मिरर्स आपको कुछ इस टाइप की शेप में देखने को मिल जाते हैं। वहीं इसके हाईलाइट फीचर्स की बात करोगे तो भाई यहाँ पे आपको चार्जिंग पॉकेट देखने को मिलने वाला है, USB टाइप का सपोर्ट। बाकी आपको इसको CNG पे अगर कन्वर्ट करते हैं तो इस साइड पे आपको CNG का पूरा लेवल देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बेसिकली पूरा जो इसका फोकस है वो CNG के ऊपर है। और तो इसके अंदर जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी आती है वो 2 लीटर की आती है, इमरजेंसी केसेस अगर आपका CNG खत्म हो जाता है भाई, मतलब सॉरी 2 लीटर के पेट्रोल में आप आराम से नियर बाय CNG के स्टेशन पहुँच पाओ। तो यहाँ पे अपने ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को आप अपने स्मार्टफोन को इससे अटैच कर पाओगे, ताकि मैन्युअली आप अपने फ़ोन से भी इसको टैकल कर पाए, तो ये बटन आपका इस रिगार्डिंग दिया गया है। बाकी इसकी बात करते हैं, ये इंडिकेटर्स हैं, इसे नीचे की साइड आते हैं तो यहाँ पे आपको हॉर्न देखने को मिल जाता है। बात करें इधर की तरफ आपको कुछ नहीं दिया गया, सिर्फ सेल्फ स्टार्ट आपको बटन देखने मिलता है, इसमें यहाँ पर आपको सपोर्ट भी दिया गया। ये सपोर्ट आई थिंक मेरे हिसाब से कैमरा वगैरह लगाने के हिसाब से बहुत अच्छा, ये काफ़ी अच्छी है 125cc के सेगमेंट के अकॉर्डिंग, काफ़ी अच्छा हैंडलिंग आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। अब आते हैं भाई साइड प्रोफाइल पे, तो साइड प्रोफाइल पे आपको यहाँ पे फ्रीडम देखने को मिल जाता है विद अपने इंडियन फ्लैग के कलर के ऑप्शन के साथ में, यहाँ ई आपको देखने को मिल जाता है।
तो ये भी काफ़ी सही है। बाकी इस साइड आएंगे तो आपको यहाँ पे फ्रीडम का लोगो प्लस बजाज का लोगो यहाँ देखने को मिल जाता है 3D फॉन्ट के अंदर। टेक्सचरिंग की बात करोगे तो ब्लू और सिल्वर कलर के टेक्सचर में जो ब्लैक फिनिशिंग दी गई है शाइनिंग के अंदर काफ़ी अच्छी, यहाँ पे आपको इसको प्रीमियम लुक प्रोवाइड करती है एज अ ऑरिजिन प्रोटेक्टर्स के हिसाब से। तो भाई यहाँ पे आपको ये भी प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है, आफ्टर मार्केट लगवाने की ज़रूरत नहीं है। साइड स्टैंड के साथ साथ मेन स्टैंड भी देखने को मिल रहा है, और इंजन प्रोटेक्शन भी अगर आप मड वगैरह में चला रहे हैं, विलेज वगैरह के ऑप्शन में जा रहे हैं, मिट्टी वगैरह लगती है तो बहुत हद तक आपको यहाँ पे एक प्रोटेक्शन मिलने वाली काफ़ी मजबूत। ऑल दो ये हैवी मटेरियल का प्लास्टिक यहाँ पे यूज़ किया गया है पर ठीक है, बट इस साइड अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक देखने को नहीं मिलता, ये थोड़ा हैवी मटेरियल में आपको देखने को मिल जाता है। और बाकी कहते हैं फुट रेस्ट की, तो भाई फुट रेस्ट की क्वालिटी यहाँ पर काफ़ी अच्छी दी गई है। राइडर के बूट, राइडर का फुट रेस्ट हो या फिर एज अ पिलियन का हो तो वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे क्वालिटी प्रोवाइड की गई है बजाज की तरफ से। सारी गार्ड की बात करेंगे भाई, सारी गार्ड की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है, अगर फीमेल या फिर कोई लेडी वगैरह बैठती है तो उसके लिए भी प्रॉपर एक फुट रेस्ट बनाया गया है अलग से। एक तो ये मिलता ही है, उसी के साथ में ये वाला फंक्शन भी एड ऑन कर दिया गया। प्लस फीचर एक इसका एक एडवांटेज और है कि क्या है, बहुत सारे लोग गाँव के विलेजर्स में इसको आप यूज़ करते हैं ना, गाँव के टाइप में आए या फिर आपको कुछ भी इसके पीछे बांधना होता है तो ये देखिए इसके अंदर भाई हैवी मटेरियल के एलुमिनियम के ये जो बकल्स दिए गए हैं चारों तरफ से, तो आसानी से आप कुछ भी इसके सामान बांध कर ले के जा सकते हो भाई। ये तो एक प्लस पॉइंट वाला फीचर आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। ये आपको टेल आईडी कुछ इस टाइप की देखने को मिलने वाली है, एकदम राउंड शेप के अंदर है, और यहाँ पे आप नंबर प्लेट का सेक्शन आपको देखने को मिल जाता है। ये भी रिफ्लेक्टर जो आपको देखने को मिल रहा है ये साइड में भी लग रहा है, और इस टाइप में जो रिफ्लेक्टर दिए गए ये भी काफ़ी अल्टीमेट है भाई, अलग ही लुक दिया गया है। और इसकी जो पूरी ब्राइटनेस है ये देख सकते हैं आप, सो ऐसी कुछ ब्राइटनेस आपको देखने को मिलने वाली है इस बाइक के अंदर। वाइट LEDs के साथ में मतलब चारों जल रही भाई, इस साइड की भी आप देखोगे और ऊपर और नीचे भी, मतलब ब्राइटनेस के मामले में इस बाइक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। नाइट में इसकी विजिबिलिटी ये काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिलने वाली है, क्योंकि जो फ्रंट टायर देखने को मिलता है 90-80-17 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलने वाला है विद ब्लू कलर स्टिकरिंग के साथ में। ग्रिपिंग आपको कुछ इस टाइप की देखने को मिलने वाली है। आपको जो रियर टायर देखने को मिलता है 120-70-16 सेक्शन का टायर देखने को मिलने वाला है। ऑल दो ये टॉप मॉडल है तो इसके अंदर आपको डिस्प्लेट फ्रंट में देखने को मिलती है, रियर के अंदर आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलने वाला है। डायमीटर की बात कर लेते हैं, इसके अंदर आपको जो फ्रंट ब्रेक का डायमीटर मिलता है 240 mm देखने को मिलता है, और वहीं रियर के अंदर बात कर लें तो 130 mm का देखने को मिल जाता है। कर दिया गया है प्लास्टिक के इस पार्ट से जिसके ऊपर आपकी फ्रीडम की बैजिंग आती है। तो भाई सस्पेंशन जो आपको इसमें देखने को मिलने वाला है वो टेलीस्कोपिक के 30 mm के सस्पेंशन देखने को मिलने वाले हैं, और वहीं रियर सस्पेंशन की अगर आप बात करेंगे तो रियर सस्पेंशन आपको मोनोशॉक के देखने को मिल जाते हैं विच लिंकेज के। यहाँ सेंटर की तरफ आएंगे तो वहीं यहाँ पे आपको पीछे की तरफ CNG का लोगो देखने को मिल जाता है। इसकी मडगार्ड की क्वालिटी की बात करोगे तो थोड़ी बहुत लो आपको प्लास्टिक देखने को मिल जाता है, बट ठीक है यार, इतनी जल्दी टूटने वाला नहीं है भाई, काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, ऐसे भी नहीं है। और एक्स्ट्रा नोट है वो कुछ साइलेंसर इस टाइप का देखने मिल जाता है, लग बाई चांस बारिश के अंदर या विंटर के अंदर कभी स्टार्ट नहीं होती, कोल्ड स्टार्ट भी नहीं होती है, तो आप इसको सेल्फ से स्टार्ट ना करके आप इसको किक से स्टार्ट कर पाएंगे। तो बात करते हैं इसकी डायमेंशन कैपेसिटीज़ के बारे में, तो इसके अंदर आपको जो सैटेलाइट देखने को मिल जाती है 825 mm देखने को मिलने वाली है, और वहीं उसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें एज अ सिटी कंपैरिजन के हिसाब से तो काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस आपको इसमें प्रोवाइड होता है, 170 mm। एज यू कैन सी बेस है, फ्रंट और रियर के व्हील बेस की बात कर लोगे तो 1340 mm आपको इसके अंदर व्हील बेस देखने को मिल जाता है। ऑल दिस का जो पूरी बाइक का कर्व वेट है, मतलब 125 cc का है, बट इसकी जो बाइक का कर्व वेट है वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है एज़ कम्पेयर टू 125 cc, क्योंकि तो इसमें आपको पता है CNG लगा हुआ है, तो भाई उसके हिसाब से थोड़ा बहुत वेट तो हैवी होना ही था। 142 kg की ये बाइक आपको देखने को मिलने वाली है, और जो गहरा राज है वो इस सीट के नीचे छुपा हुआ है वो भी आपको अभी दिखाएंगे। सीट में देख रहा हूँ जो कि अभी तक आपको इसमें ही देखने को मिलने वाली है। फेमस है इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी और CNG लीटर। तो ये मैंने खोला ढक्कन, ये इतना बड़ा बॉक्स आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। और सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके फ्यूल टैंक की, तो इसके अंदर आपको 2 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाता है जो कि कुछ इस टाइप से खुल जाता है। और हमेशा नोज़ल याद रखना, अगर आप बाइक ले रहे हो तो नोज़ल इसमें थोड़ा सा टेढ़ा होके लगेगा तब जाके आपका फ्यूल अप हो पाएगा, क्योंकि इसका जो पेट्रोल टैंक है वो थोड़ा इस साइड में है। देखते हैं गैस की, CNG आपको इस साइड में CNG भर जाएगी, और इसको आपको ये होता है इसका मतलब कैप मान लो आप इसको एक तरह से, तो ये जो काफ़ी अच्छी तरह एकदम टाइटली बंद होता है, ये देखो ये इससे अभी एकदम अटैच है, तो ये अगर प्रॉपर आप इसको
मतलब फ़िक्स नहीं करोगे तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी, ये मैं पहले ही बता देता हूँ आपको। तो इसको अच्छी तरह एकदम फिक्स करना है, देन उसके बाद ही आपकी बाइक स्टार्ट हो पाएगी। तो ये इसका गैस किट है, ये भी आपको 2 लीटर का देखने को मिल जाता है CNG। जो बाइक की CNG प्लस पेट्रोल की जो रेंज है 330 किलोमीटर कंपनी क्लेम करती है कि एक बार अगर आप पेट्रोल प्लस CNG भरा लेते हो तो 330 किलोमीटर ओवरऑल चल पाएगी ये बाइक। बट CNG के अंदर बात करें तो 200 किलोमीटर की रेंज कंपनी प्रोवाइड कर रही है, बाकी पेट्रोल में 130 किलोमीटर की रेंज बोल रही है, तो ओवरऑल जो लीटर हो रहा है वो 330 किलोमीटर हो रहा है। बट इट्स डिपेंड ऑन कि भाई आप इसको राइडिंग किस हिसाब से चला रहे हैं। अगर आप टॉप एंड पे चलाएंगे, जो भी इसकी मैक्स टॉप स्पीड निकल के आती है उस स्पीड पे चलाएंगे तो ओवरऑल इसकी रेंज कम हो जाएगी। बाकी अगर इकोनॉमी मोड पे अगर 60-70 की स्पीड पे अगर इसको रेगुलर चलाते तो इसका जो रेंज निकल के आएगा वो 330 किलोमीटर निकल के आएगा। बट बाकी आने वाले टाइम पे भी देखेंगे भाई एज अ कस्टमर जो लोग चला रहे हैं, जो लोग चलाएंगे, इसकी क्या रेंज निकल के आती है CNG के अंदर, सक्सेसफुल है भी नहीं है, वो सब आपको आगे आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। सो यहाँ पे आपको सी की सेक्शन मिल जाता है एकदम नीचे की साइड में। अब आपको मिलेगा तोहफा भाई इसका पूरा सिलेंडर किट, जो कि CNG जिसको बोला जा रहा है वो इस टाइप का है। तो इसके ऊपर इसकी पूरी मैन्यूल्स लिखी हुई है। ये पूरा सिलेंडर आपको इस साइड में देखने को मिल जाता है, मतलब ये देखो कि आप जब बैठोगे तो आप एक CNG सिलेंडर 2 लीटर वाले CNG सिलेंडर के ऊपर बैठोगे। ऑल दो इसकी टेस्टिंग काफ़ी हद तक की गई है भाई, में लोगों ने ये बोल दिया कि भाई ये फट जाएगा या फिर जो भी हो जाएगा ब्लास्ट, तो इसके बहुत तगड़े टेस्ट हुए टू बी वेरी ऑनेस्ट। यहाँ पे आपको साइड में बैटरी देखने को मिल जाती है, बैटरी कंपार्टमेंट, और हल्का फुल्का छोटा मोटा सामान आप यहाँ रख पाएंगे। अब इसकी थोड़ी वैलिडेशन जान लेते हैं कि कंपनी इसके सिलेंडर के बारे में क्या बोलना चाह रही है, वो थोड़ा आपको शॉकिंग लगेगा। और थोड़ा कंपनी क्लेम करती है इसके अंदर आपको 3 साल क्या गारंटी मान लो या कुछ भी मान लो तो वो आपको देखने को मिल जाए सिर्फ 3 साल के लिए। अगर लग भाई चांस आपकी 3 साल के अंदर गाड़ी सिलेंडर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है, वैसे तो आएगी नहीं, अगर फिर भी आ जाती है तो इसका कॉस्ट थोड़ा सा हाईली होने वाला है। वैसे तो इसका मेंटेनेंस चेक होता है हर 3 साल के अंदर सिलेंडर का, और अगर इसमें थोड़ी बहुत ख़राबी आती है तो अगर रिपेयर होने वाला कोई ऑप्शन होगा तो वो भी हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर सिलेंडर ख़राब हो जाता तो उसके अंदर आपको थोड़ा सा माइनस पॉइंट हो जाता है कि मतलब 22,000 का आपका फटका लग जाएगा। अगर आप ऑनलाइन चेक करेंगे CNG 2 लीटर की कॉस्ट सिलेंडर की तो वो आपको 22,000 रुपीज़ पड़ने वाली है। बात कर लेते हैं भाई इसके मॉडल्स के बारे में, तो इसके अंदर आपको 3 मॉडल देखने को मिल जाते हैं। पहला है फ्रीडम 125 वाला है जो ड्रम ब्रेक के साथ में आता है, दूसरा आपको ड्रम ब्रेक विद LEDs देखने को मिल जाती है, तीसरा आपको डिस्क प्लस LED देखने को मिल जाती है जो कि ये वाला मॉडल है सबसे टॉप एंड। और बात करते हैं इंजन स्पेक्स के बारे में, तो उससे पहले बताना चाहूँगा भाई प्रोटेक्शन इंजन को फ्रंट में कर दिया गया है, क्योंकि अगर आप मड वगैरह में चलाएंगे तो काफ़ी हद तक नहीं पूरा अच्छी तरह आपका इंजन बचने वाला है। बट ऑल दो सारे जो पार्ट्स हैं वो आपको पूरे खुले देखने को मिलने वाले हैं, देख सकते हो। तो भाई क्लीनिंग करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको यहाँ पे आने वाली है। 124.58 cc का सिंगल सिलेंडर इंजन देखने को मिल जाता है विद एयर कूल्ड सिस्टम के साथ में। और गेयरबॉक्स की बात करेंगे तो 5-speed गेयरबॉक्स आपको यहाँ देखने को मिलने वाला है। और बात कर लेते हैं इसकी स्पीड और टॉर्क और पावर्स की, इसके अंदर आपको जो मिलता है मैक्स पावर 9.5 PS की पावर जनरेट करता है 8000 RPM पे, और वही मैक्स टॉर्क की बात करेंगे तो 9.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोवाइड करती है बाइक आपको 5000 RPM पे। तो ये कुछ स्पेक्स आपको यहाँ देखने को मिलने वाले हैं। ब्लू और सिल्वर कलर के टेक्सचर में आता है, बोला जाता है रूबिकन ब्लू, इस कलर को बोला जाता है। नेक्स्ट शोरूम आपको जयपुर राजस्थान में देखने को मिलने वाली है 110,700 की, और वहीं इसकी ये मैं जो प्राइसिंग बता रहा हूँ ये आपको टॉप मॉडल की बता रहा हूँ, डिस्क ब्रेक विद LED लाइट्स के बारे में। तो 110,700 की एक्स शोरूम आपको जयपुर राजस्थान में मिलने वाली है। वही ऑन रोड प्राइसेस की बात कर लें तो 129,700 की आपको देखने को मिलने वाली है जयपुर राजस्थान में। जैसे कि आपका जो चेन्स पॉकेट है वो बिल्कुल कवर अप देखने को मिलता है आपको इस साइड से, और इस साइड से बिल्कुल खाली छोड़ा गया है ताकि आप अपनी चेन को ल्यूब कर सकें या फिर वॉश कर सकें, जो भी है इस साइड से भी कर पाएंगे। ठीक है, इस पूरी वीडियो में आई होप आपको सिंपल सॉवर ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपको इसका राइड रिव्यू चाहिए तो डू इट कमेंट सेक्शन बिलो, तो इसका राइडिंग रिव्यू भी कर देंगे अपन। तो यही था इस पूरी वीडियो में, आई होप आपको सिंपल सॉवर ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए मिलते हैं 6 नए ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए टिल द टाइम बाय, राइड सेफ।